हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज पूरी दुनिया नारी शक्ति को सलाम कर रही है। जल थल नभ हर जगह महिलाएं अपने शौर्य और कौशल से नित नए आयाम रच रही हैं। महिलाओं के सम्मान में देश के तमाम रेलवे स्टेशन को पिंक रोशनी से सजाया गया है। दिल्ली, यूपी, एमपी से लेकर पटना तक महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। पीसीआर वैन में महिला, ट्रैफिक ड्यूटी में महिलाएं, पेट्रोलिंग में मुस्तैद महिलाएं, सिक्योरिटी में तैनात महिलाएं, ड्यूटी पर लेडी पुलिस, महिलाओं ने मोर्चा हर जगह संभाला है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही, आज पूरी दुनिया नारी शक्ति को सलाम कर रही है। हर जगह महिलाओं के हौसले को सैल्यूट किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई से यूपी और एमपी तक इस खास दिन पर महिलाओं का सम्मान हो रहा है। देश के तमाम रेलवे स्टेशन उनकी शान में गुलाबी रोशनी से सजे हैं। महिलाएं साहस दिखा रही हैं तो समर्पण भी, उनमें हौसला भी है और हिम्मत भी। इसकी सबसे बड़ी नजीर भोपाल में दिखी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी महिला सुरक्षा कर्मी संभाल रही हैं। महिला दिवस के मौके पर महिला शक्ति के सशक्तिकरण का ये एक उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जो कारकेड के साथ आए हैं, वो पूरी जो वो महिलाएं हैं, तकरीबन 40 से ज्यादा महिला सुरक्षा कर्मी उनकी जो है सिक्योरिटी के लिए लगे हैं। और तमाम जो कार्यक्रम है आज जो भोपाल में होंगे वो महिला जो तमाम जो महिलाएं हैं वो करेंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं ओएसडी से लेके तमाम अधिकारी जो हैं वो महिलाएं हैं। दिल्ली में सुरक्षा का जिम्मा आज महिलाओं के हाथ में है। पुलिस स्टेशन से लेकर पीसीआर और ट्रैफिक कंट्रोल सबकी कमान महिलाओं के हाथ में है। दिल्ली में हर जगह सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिसकर्मी तैनात दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी आज के दिन के लिए समस्त महिला पुलिसकर्मियों ने संभाल रखी है, और चाहे वो थाने की जिम्मेदारी हो, पीसीआर की हो या फिर ट्रैफिक की। फिलहाल ये आईटीयू की तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर चला रहे हैं। और महिला दिवस के मौके पर इससे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर और क्या हो सकती है। दरअसल एक महिला खुद एक माँ होती है, पत्नी होती है, बहन होती है, ऐसे में वो चाहते हैं कि हर परिवार जब सड़कों से गुजरता है तो सुरक्षित तौर पर वो अपने घर तक। दिल्ली के चप्पे चप्पे की सुरक्षा महिलाओं के जिम्मेदार हाथों में है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल वीमेन पीसीआर वैन लगाया है। इस पीसीआर वैन की कमान महिलाओं के हाथ में है। पूरी दिल्ली में इस तरह की 15 महिला पीसीआर वैन चलती हैं, जिसमें 3 लोगों का स्टाफ होता है और तीनों ही पुलिस कर्मी जो हैं वो महिला हैं। और नॉर्थ कैंपस जैसे संवेदनशील इलाके में जहां पर तमाम कॉलेजेस हैं और वहां पर ईव टीजिंग और लड़कियों के साथ जो है लड़कियों के खिलाफ क्राइम को लेकर जो है हमेशा तत्पर रहती है पुलिस, फिलहाल महिला दिवस के मौके पर इन तमाम पीसीआर का चलना और इनके लिए जॉब का इस जॉब को जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल सही तरीके से करना एक बड़ा चैलेंज है। महिला शक्ति हर हालात से लड़ने की ताकत रखती है, वो चाहे रोजाना का सिक्योरिटी इंतजाम हो या गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन हो। गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और किसान आंदोलन किस तरह से उग्र हुआ था इसका आपको अंदाजा होगा। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो यहाँ सबसे आगे आपको महिला सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे दिल्ली पुलिस की। और ये कोशिश की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जिस हिसाब से किसान आंदोलनकारियों के द्वारा तैयारी की गई है कि काफ़ी संख्या में महिलाओं को यहाँ पर लाया जाए, उस लिहाज से इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और लिहाजा ऐसे ही डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के लिए ये नया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो ये महिला सुरक्षा कर्मी नहीं करती हैं, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये मैसेज देने की कोशिश है कि मेल डोमिनेटेड जो लोगों के मन में ये ख्याल है कि पुलिसिंग जो है एक मेल डोमिनेटेड काम है, वो ऐसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण का जिक्र होता है तो एयरफोर्स की बहादुर बेटियों का जिक्र जरूरी है, क्योंकि इस समय एयरफोर्स के अहम पदों पर नारी शक्ति तैनात हो चुकी है। चाहे वो फाइटर प्लेन उड़ा रहा हो या एयरफोर्स की टेक्निकल टीम, हर जगह नारी शक्ति मौजूद है। हमारे ऊपर सेम तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और तो मैं पर्सनली मुझे SU-30 में ज्वाइन करना था, बट देन इट इज़ नॉट अबाउट फ्लीट, इट्स जस्ट अबाउट फ्लाइंग।
I would say that. अच्छा, घर में कभी किसी ने कुछ बोला कि नहीं बेटी क्या तुम पायलट बनने जा रहे हो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ और बन जाओ? नहीं, जैसा मैं बता चुकी हूँ, मेरे पापा सर्व कर चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में। अच्छा। तो जब मैंने अपना डिसीजन बताया कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला अपने घर से, अपने मम्मी पापा, अपने भाई से, सबने बहुत सपोर्ट किया। मैं पहले फाइटर फ्लीट में आई थी, तो मेरे गांव में लोग ये बोलते थे कि वो तो जहाज़ लेके उड़ के चली गई, शायद वो बॉर्डर भी क्रॉस करके चली गई। सो बात सिर्फ अवेयरनेस की है, चाहे कोई राजस्थान से हो, चाहे केरला से हो, चाहे जम्मू से हो, अगर अवेयरनेस है हर जगह कि किस तरीके से किस मुकाम को हासिल किया जाए, तो कोई भी उस मुकाम को हासिल कर सकता है। यूपी के बरेली एयरपोर्ट की आज पहली फ्लाइट की कमान महिला पायलट के हाथ में थी। मुंबई में आज मेयर किशोरी पेडनेकर का घर पूरी तरह से गुलाबी रोशनी में नहाता दिखा। पटना रेलवे स्टेशन पर महिला शक्ति को सलाम करने के लिए पूरे स्टेशन को सजाया गया। दुनिया की आधी आबादी के सेलिब्रेशन डे पर आप सभी से एक सवाल है, क्या महिला दिवस मनाने के लिए किसी एक दिन की जरूरत है? क्या महिलाओं के साहस, सम्मान और हौसले को किसी एक दिन में बांधा जा सकता है? शायद इसका जवाब है नहीं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान या उनके लिए जश्न किसी एक दिन की बात नहीं, बल्कि ये हर एक दिन होना चाहिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।